आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम बहुभुज व उसके विकर्ण के बारे में विस्तार पूर्वक जान चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। आइए इस बंद वक्र को देखते हैं। क्या आप इसे अभ्यंतर तथा बहिर्भाग के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल सही। वक्र के अंदर का क्षेत्र अभ्यंतर तथा बाहर का क्षेत्र बहिर्भाग कहलाता है। हमारे पास यहां कुछ बहुभुज हैं। क्या आप इन्हें इनके गुणों के आधार पर दो अलग अलग समूहों में विभाजित कर सकते हैं? आओ कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि एक बहुभुज भुजाओं, शीर्षों और कोणों से बनता है। क्योंकि यह सभी बहुभुज हैं, इसलिए इनमें यह गुण समान होंगे। तो अब हम इन्हें किस आधार पर अलग कर सकते हैं? आओ इनके विकर्ण बनाते हैं। तो अब आप यहां क्या देखते हैं? आप देख सकते हैं कि कुछ बहुभुजों के विकर्ण उनके अभ्यंतर में ही परिसीमित हैं, तथा कुछ बहुभुज ऐसे हैं जिनके विकर्ण अथवा विकर्णों का कुछ भाग उनके बहिर्भाग में है। तो इस तरह हम इन बहुभुजों को दो अलग अलग समूहों में विभाजित कर लेते हैं। इन समूहों को हम विकर्णों की स्थिति के अनुसार उत्तल और अवतल नाम दे सकते हैं। परंतु अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो इसमें कोई विकर्ण नहीं है। अब कैसे निर्धारित करें कि त्रिभुज उत्तल बहुभुज है या अवतल बहुभुज? इसे समझने के लिए एक बार फिर से इन बहुभुजों पर गौर करते हैं। यदि हम इन बहुभुजों के अभ्यंतर में कोई भी दो यादृच्छिक बिंदु लेकर उन्हें जोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि उत्तल बहुभुजों में ऐसे सभी रेखाखंड पूर्णतया बहुभुज के अभ्यंतर में ही स्थित हैं। वहीं दूसरी ओर अवतल बहुभुजों में ऐसा नहीं है। इसी तरह त्रिभुज के अभ्यंतर में भी किन्हीं भी यादृच्छिक बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड पूर्णतया त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित हैं। इसलिए त्रिभुज एक उत्तल बहुभुज है। अतः हम कह सकते हैं कि वह बहुभुज जिनके विकर्ण अथवा बहुभुज के अभ्यंतर में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पूर्णतया बहुभुज के अभ्यंतर में परिसीमित होते हैं उत्तल बहुभुज कहलाते हैं, तथा वो बहुभुज जिनके विकर्ण अथवा विकर्णों का कुछ भाग या बहुभुज के अभ्यंतर में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पूर्णतया बहुभुज के अभ्यंतर में परिसीमित नहीं होते हैं अवतल बहुभुज कहलाते हैं। आइए अब कुछ और बहुभुज देखते हैं। इन बहुभुजों पर आप क्या टिप्पणी कर सकते हैं? बिल्कुल सही, ये सभी उत्तल बहुभुज हैं। अब अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे कि इन बहुभुजों की सभी भुजाएं बराबर हैं, तथा साथ ही सभी कोण भी समान माप के हैं। अतः वह बहुभुज जो समभुज यानी जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर तथा समकोणिक यानी सभी कोणों की समान माप होते हैं सम बहुभुज कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन बहुभुजों में किसी एक भी भुजा अथवा कोण की माप बाकी भुजाओं अथवा कोणों से अलग होता है विषम बहुभुज कहलाते हैं। इस तरह आज हमने जाना कि बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं।